नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते होंगे तो आपको सैमसंग के फोन में स्क्रीनशॉट क्लिक करने के अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सात ऐसे तरीकों के बारे में जिसके जरिए आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो आपके सैमसंग के फोन में, और उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, हमें पता है कि हम एक साथ सातों तरीकों को यूज नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये सात तरीकों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि ताकि आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सको। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वो है हार्डवेयर की इस बटन का। आपको दो बटन को एक साथ प्रेस करके तुरंत छोड़ना पड़ता है, तो वो है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन। आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करना है और तुरंत छोड़ देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ साथ में प्रेस करूंगा और तुरंत छोड़ दूंगा। आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। आपको याद रखना है, आपको दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना नहीं है, जैसे आप प्रेस करते हो दोनों को एक साथ छोड़ देना है। दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो है पाम स्वाइप टू कैप्चर का। इसका मतलब है कि आपको आपकी हथेली को आपके स्क्रीन पे टच करके स्वाइप करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी हथेली को आपको टच करना है स्क्रीन पे, और आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो या फिर लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। आपको जैसे स्वाइप करना है वैसे स्वाइप कर सकते हो। अगर ये मेथड जो है आपके फोन में काम नहीं कर रही है तो आपको एक सेटिंग्स को ऑन करना है। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे एडवांस फीचर में, यहाँ पे आपको जाना है मोशन एंड जेस्चर्स में, और यहाँ पे आपको पाम स्वाइप टू कैप्चर इस ऑप्शन को इनेबल करना है। दोस्तों, जो तीसरा तरीका है उसके जरिए आप वन टैप में स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। आपको नहीं स्वाइप करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वन टैप करना है और स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हो। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको यहाँ पे जाना है एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे आपको इंटरेक्शन एंड डेक्सिटी में यहाँ पे जाना है। यहाँ पे असिस्टेंट मेनू पे टैप करना है, इसे इनेबल करना है, और फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट असिस्टेंट मेनू आइटम्स इस पे टैप करना है, और आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे रिमूव करने हैं। बस एक ही को रखना है स्क्रीनशॉट को, बाकी को आपको माइनस के साइन पे टैप करके यहाँ से रिमूव कर देना है। बस आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे एक ही रखना है, वो होगा स्क्रीनशॉट, और आपको यहाँ पे बैक आना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे शो एज एज आइकन, इसे इनेबल करना है, और यहाँ पे आपको इसकी साइज कम कर देनी है, स्मॉल कर देनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला साइड आइकन, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जब आप टैप करोगे तो आप वन टैप में स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये यहाँ पे हाइड हो जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, आपको जहां पे रखना है वहां पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे वन टैप करूंगा स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगी। दोस्तों, जो चौथा तरीका है वो है एज पैनल से स्क्रीनशॉट क्लिक करने का। तो अगर आपके फोन में एज पैनल इनेबल किया है आपने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है टेक स्क्रीनशॉट का। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाती है। तो आपको बस यहाँ पे वन स्वाइप करना है और वन टैप करना है। अगर आपके फोन में ये जो टास्क वाला पैनल नहीं है तो आपको इसे ऐड करना है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे डिस्प्ले में, आपको यहाँ पे जाना है एज पैनल्स में। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इसे इनेबल करना है, बाद में इसे ओपन करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पैनल्स पे, और यहाँ पे आपको जो टास्क आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टास्क, आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो टास्क पैनल होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे हो, तो आप उसे ऊपर भी रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे हो सकता है, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप जहां चाहे वहां पे इसे प्लेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, और मान लो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर रखना है तो आप ऊपर रख सकते हो, या फिर आपको सबसे नीचे रखना है तो आप सबसे नीचे भी रख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे स्वाइप करोगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, जो पांचवा तरीका है स्क्रीनशॉट करने का वो है अलग अलग शेप में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। आप स्क्रीन के पोर्शन को स्क्वायर या रेक्टेंगल या राउंड या फिर ओवल शेप में कैप्चर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एज पैनल पे स्वाइप करना है, और आपको यहाँ पे स्मार्ट सिलेक्ट वाला ये पैनल दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें लिखा होगा रेक्टेंगल ओवल। रेक्टेंगल पे अगर आप टैप करोगे तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, इस तरीके से आप जो स्क्रीनशॉट है अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो। आपको जिस शेप में इसे यहाँ पे क्लिक करना है उस तरीके से, ये बना रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे करूंगा डन। और आपको जिस पोर्शन पे स्क्रीनशॉट क्लिक करनी है, जिस पोर्शन को आपको दिखाना है, उस पे आपको यहाँ पे रख देना है। मैं करूंगा यहाँ पे डन, और आपको यहाँ पे नीचे करना है सेव, तो ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको राउंड शेप में या फिर ओवल शेप में भी स्क्रीनशॉट क्लिक करनी है, तो आपको यहाँ पे स्वाइप करना है। यहाँ पे मिलेगा आपको ओवल, ये बना राउंड शेप। अगर आपको इसे ओवल करना है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बन गया ओवल शेप, या फिर आप यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो। और आपको यहाँ पे प्लेस करना है अपने हिसाब से, और आपको यहाँ पे करना है डन, और यहाँ पे करना है सेव। अगर आपके एज पैनल में ये स्मार्ट सिलेक्ट वाला एज पैनल इनेबल नहीं है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में,
डिस्प्ले में, एज पैनल्स में, पैनल्स में, और आपको यहां पे स्मार्ट सिलेक्ट आप यहां पे देख सकते हो, इसे यहां पे इनेबल करना है, इसमें यहां पे टिक करना है। दोस्तों आप वॉइस कमांड का यूज करके भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो, हे गूगल स्क्रीनशॉट। लेकिन दोस्तों जब आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हो तो यहां पे जो स्क्रीनशॉट है गैलरी में सेव होती नहीं है। तो अगर आपको इसे गैलरी में सेव करनी है तो आपको यहां पे करना है क्रिएट नोट पे टैप करना है। सैमसंग नोट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको शेयरिंग पैनल पे, आपको यहां पे क्रिएट नोट पे टैप करना है और यहां पे जो स्क्रीनशॉट है यहां पे आ जाएगी। फिर आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है और यहां पे आपको करना है थ्री डॉट पे टैप और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव इमेज। ठीक है, तो आपको यहां पे सेव इमेज करना है, फिर ये जो फोटो है या स्क्रीनशॉट है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अगर बिना सेव किए किसी स्क्रीनशॉट को कैप्चर करना हुआ तो आप इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो, जिसके जरिए आपकी जो स्क्रीनशॉट होगी वो गैलरी में सेव नहीं होगी। अगर आप करना चाहते हो स्क्रीनशॉट को सेव गैलरी में तो आपको यहां पे इस तरीके से सैमसंग नोट में आके यहां पे सेव करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप हे गूगल नहीं बोलना चाहते हो तो यहां पे एक और तरीका है। आप अगर नेविगेशन बटन का यूज कर रहे हो तो आपको होम बटन पे लॉन्ग टैप करना है स्क्रीनशॉट। Got it. Taking a screenshot. तो आप इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो, आपको हे गूगल नहीं बोलना है। लेकिन अगर आप यहां पे फुल स्क्रीन जेस्चर का यूज करते हो तो आपको यहां पे डायगोनल स्वाइप करना है यहां से या फिर वहां से। आप यहां पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। तो आप इस तरीके से हे गूगल का यूज करके अलग अलग तरीके से यहां पे स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो। अगर आपके फोन में ये मेथड काम नहीं कर रही है तो आपको पहले तो ओके गूगल को यहां पे स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर यहां पे आपको इस बटन पे टैप करना है, ये वाली बटन पे, और यहां पे आपको फिर अपने प्रोफाइल फोटो पे टैप करना है और यहां पे आपको जाना है जनरल में। जनरल में यहां पे जाकर आपको यहां पे टैप करना है और यहां पे आपको यूज स्क्रीन कॉन्टेक्स्ट इस पे टैप करके आपको इन दोनों ऑप्शन को यहां पे इनेबल करना है। दोस्तों जो आखिरी तरीका है वो भी वॉइस कमांड का है। तो अगर आपके फोन में बिक्सबी है तो आप बिक्सबी का यूज करके स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो आपको बोलना है हे बिक्सबी स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो और यहां पे आपकी स्क्रीनशॉट गैलरी में भी सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हे बिक्सबी नहीं बोलना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहां पे पावर बटन पे लॉन्ग टैप करके रखना है। जब तक आप स्क्रीनशॉट बोलते हो तब तक आपको इस पे टैप करके रखना है पावर बटन पे स्क्रीनशॉट। आप यहां पे देख सकते हो इस तरीके से भी आप स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपके फोन में ये जो तरीका है काम नहीं कर रहा है तो आपको यहां पे बिक्सबी को ओपन करना है, फिर आपको जाना है यहां पे सेटिंग्स में और आपको यहां पे वॉइस वेकअप इसे इनेबल करना है। दोस्तों ये थे 7 अलग अलग तरीके आपके सैमसंग के फोन में स्क्रीनशॉट क्लिक करने के। आपको कौन सा तरीका सबसे इजी लगता है और आप कौन सा तरीका सबसे ज्यादा यूज करते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।